बंधन के बाद जैसा बन्नाराम जी ने बताया कि आप कॉलेज लाइफ में जाएंगे आपको कोई कहेगा नहीं, बिल्कुल उनकी बात सही है। और कुछ ऐसी गांव की परिस्थितियों के कारण जो कॉलेज में रेगुलर नहीं पढ़ पाएंगे उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं कि यदि आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो भी आप पढ़ सकते हैं और अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थितियों को बहाना नहीं बनाएं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरी क्लासमेट छात्री मिश्रा राम जोगी, आपको पता है कि जोगियों के घर नहीं होते, वो विद्यार्थी आज संस्कृत विषय से द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर है। परिस्थितियों का बहाना नहीं करें कि वो जमाना गया जो हमारे पूर्वज दूर दूर पढ़ने के लिए विद्यालय जाते, कोसों दूर घड़े सिर पर रखकर पानी लाते, वो जमाना नहीं। किसी प्रकार की संसाधनों की कमी नहीं, कमी केवल बहानों की है, कमी केवल जिज्ञासा की है। यदि आप में दृढ़ जिज्ञासा है तो आप किसी भी मुकाम को छू सकते हैं। ऐसे ही कुछ इन्हीं के साथ आपके सामने कंपटीशन की परीक्षाएं रहेगी जहां से आपका भविष्य बनेगा। कंपटीशन परीक्षाओं में आप एक बार असफल होंगे, दो बार होंगे, तीन बार होंगे, लेकिन निराश नहीं होए। और आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप उनको डाउन नहीं करें। तीन चार बार असफल होने के बाद विद्यार्थी घर लौटता है कि कितने साल हो गए तेरे को पढ़ते हुए, अब उन लोगों को ये पता नहीं कि अभी तक वो कंपटीशन के पैर में आया ही नहीं है। पहले तो बीए किया, उसके बाद बीएड किया, एमए किया, कंपटीशन में एक साल हुआ कि 10 साल हो गए तेरी तो नौकरी लगती नहीं है। समय रहे और जो जागरूक लोग उनको हमेशा प्रेरणा के रूप में अच्छे टिप्स रहें और मोटिवेशन करते रहें। दूसरों के मोटिवेशन से हमें कुछ देर के लिए ऊर्जा मिलती है, एक घंटे दो घंटे बाद लगता है कि आज तो घर जाके सारी रात पढ़ेंगे, लेकिन जैसे घर जाते हैं और उस बात को भूल जाते हैं। अपने खुद के पेट की आग होनी चाहिए, अभी प्रेरणा अपनी होनी चाहिए। उन माँ बाप की आंखों का सपना पूरा करें जो आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, अनपढ़ है समझते नहीं, उनका सपना जरूर पूरा करें। और आप